पैदा करते हैं कि भस्मासुर पैदा करते हैं? आपको जितनी टेंशन कांग्रेस की है, आपको संकट मोचक पैदा करने की टेंशन करने की आवश्यकता है? कांग्रेस पैदा आरएसएस की मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेता भस्मासुर पैदा कर रही है कांग्रेस की संकट मोचक पैदा कर रही है? मुझे ये बताइए, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस ने सरकार खंडन कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कोर्ट का। एके मिश्रा साहब, राजनीतिक विश्लेषक मिश्रा साहब का स्वागत है। ये कैसी भाषा बोली जा रही है? देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस जो है एक दशक से, आठ दस सालों से, बारह सालों से नेता तो पैदा कर नहीं पा रही है, भस्मासुर पैदा किए जा रही है। उदाहरण आपने दिए मणिशंकर अय्यर वगैरह, बीच बीच में बहुत सारे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि दो चार छह साल में एक भस्मासुर पैदा हुए। मुझे क्षमा करिएगा, हमारे टीवी डिबेट में जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, नेता बैठे हैं, वो भी भस्मासुर हैं। इनकी पार्टी ने मना कर दिया है कि भाई हम इनके विचार से सहमत नहीं है, और ये उसको कन्विंस कर जी जी लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। ये बोला है कि कांग्रेस में नेतागिरी का, नेताओं का, इंटेलेक्चुअल का वो जमाना गुजर गया। देखिए जो संवाद होता है ना, कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत मुश्किल चीज होता है। इसको बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो लोग, उनकी अपनी जिंदगी गुजर गई है, मंत्री मिनिस्टर ले रहे हो चुके हैं, अब उनको कुछ नहीं करना। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, चाहे राहुल गांधी हो या उनसे नीचे जो है, एक ऐसा बवाल भस्मासुर की तरह खड़ा करके चले जा रहे हैं। इसके पीछे कारण एक ही है, ये सब कॉन्वेंट से पढ़े हैं, इन्होंने भारत को नहीं समझा है, ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान होता भारत की संस्कृति का, गीता का, महाभारत का, रामायण का, तो शायद ये इस तरीके की तुलना नहीं करते। तुलना करने के और भी बहुत तरीके हैं, तो मैं इसको हमेशा ये मानता हूँ। उन्होंने तो अपने समस्त बढ़िया किया होगा कि आला कमान खुश होंगे तो हमको कुछ और मिलेगा, ये होगा, लेकिन ये अल्प विद्या, जिन्होंने भारत को महसूस नहीं किया है, वो इसी तरीके की मिस्टेक करते हैं। जी ठीक बात। जो तालिबानी पगड़ बांध के और कोड़ा हाथ में लेके और लट्ठी लेके और बंदूक लेके हैं, चाहे जिसको भिसुम भिसुम कर रहे हैं, वो भी करे कि हम धर्म सरकार की व्यवस्था लागू कर रहे हैं। मारने वाला भी वही, एक ही वर्ग का, मरने वाला भी उसी वर्ग का, तब क्या कहेंगे उसको, कैसे नरेट करेंगे? एक मिश्रा जी, ये तो समझना पड़ेगा ना। नहीं, हम ने, मैं बता रहा हूँ भाई, हम कौन होते हैं नरेट करने वाले। मैं एक बड़ी साफ सी चीज बोलता हूँ कि मैं इस जन्म में हिंदू धर्म और दुनियादारी की जो नॉलेज है, किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वही पढ़ लूं। मुझे दूसरे धर्म में ना मैंने पढ़ा है, उनके हिसाब से जिहाद का क्या मतलब है, या इस्लाम का, या क्रिश्चियनिटी का, धर्म युद्ध, क्रूसेड का क्या मतलब है। जो वो गली चौराहे में करते हैं हम वही समझते हैं। मेरा अपना कोई विशेष ज्ञान इसका कुरान के हवाले वगैरह से नहीं है। वो अगर गोली मार रहे हैं, बोल रहे हैं ये जिहाद है, तो मैं बोलूंगा भाई इनके हिसाब से यही जिहाद है, ये गलत है, हमारे हिसाब से वो गलत है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। वहां पे आप ये देखिए, सिया सुन्नी को मारे तो वो भी जिहाद है। और तो छोड़ दीजिए, आपने तो गली मोहल्ले की बात की, अपने घर में भी किसी को प्रताड़ित करे, महिलाओं को या किसी को, तो वो भी जिहाद का नाम दे दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी वाइड स्कोप वाली ये डिफिनीशन है या एक्टिविटी है, जो कि हर जगह अपने हिसाब से एप्लीकेबल है, जो मजबूत है उसके हिसाब से वो एप्लीकेबल है, उस पर कोई। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, ये महाभारत में जब कृष्ण जी ने बोला था, उसके बाद भी उन्होंने अर्जुन को स्वतंत्रता दी थी कि भाई तुम जो चाहो उचित वो करो, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। दोनों में फर्क समझिए। इसीलिए मैंने बोला कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो शिवराज पाटिल ने बोला वो महामूर्खता वाली चीज है, उनको किसी भी चीज का पता नहीं है, वो उनको ना भारत का पता है, ना भारत के धर्म, ना सभ्यता का पता है, दूसरे ना पता तो सही है, लेकिन ठेका वो अरब से जो धर्म निकला है और जेरूसलम से जो निकला है, उसका भी वो पंडित बने पड़े हैं। ठीक है, एके मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं एके मिश्रा जी की बात का उसका खंडन करना चाहूंगा। इन्होंने बड़े ताव में आकर के कह दिया कि हम भी भस्मासुर हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही देश के लिए भस्मासुर हैं मिश्रा जी। बात ये है, आपके नेता भस्मासुर हैं सर,
गुजरात चुनाव जीते, मणिशंकर अय्यर ने भस्म कर दिया पार्टी को। आप मेरी बात सुनिए, आप अभी ये आ गए, आप नेता पैदा करते हैं कि भस्मासुर पैदा करते हैं? आपको जितनी टेंशन कांग्रेस की है, आपको संकट मोचक पैदा करने की टेंशन करने की आवश्यकता है? आरएसएस की, आरएसएस की जो विचारधारा है और जो बात है वो आप कहना छोड़िए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो बात कही है वो मैं सुन रहा था, मेरा नेटवर्क, मेरी बात सुन लीजिए, मैं ले रहा हूँ आपको, आपके आरएसएस के स्पोक पर्सन की तरह विंडो लिया है, ज्यादा बेहतर दर्शक समझ। आप आरएसएस के स्पोक पर्सन की तरह बात कर रहे हैं ना, आप सुन लीजिए, आप गलत तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, आप गलत तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप गलत तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए। इस्लाम में, अरे सुनिए, मैं मुस्लिम हूँ, अरे सुनिए एज ए मुस्लिम मेरी बात सुन लीजिए। अब जिहाद में कहीं भी इस्लाम में ये नहीं लिखा है कि तलवार के जोर पर या किसी भी जोर जबरदस्ती से किसी को दुख। अरे मेरी बात थोड़ी समझेंगे आप, आप अभी प्रवचन दे रहे थे, आप अभी प्रवचन दे रहे थे, मैं सुन रहा था ना, भस्मासुर पैदा कर रही है कांग्रेस की, संकट मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताइए, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने तत्काल खंडन कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के स्पोर्ट्स का जिक्र कर दिया कांग्रेस ने और जयराम रमेश जी ने, जिसमें गीता को उन्होंने महत्व दिया है। बात गीता की नहीं है, बात यह है कि गीता और कुरान को मानने वाले जो लोग हैं उनमें किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। आप ये देखिए कि जहाँ बेरोजगारी पर बहस होनी चाहिए, जहाँ महंगाई पर बहस होनी चाहिए, जहाँ देश में जो इतनी सारी एक मिनट रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा। जियाउर आप भी रुकिए, मिश्रा जी आप रुकिए, रावण रुकूंगा, एके मिश्रा जी इन दोनों का बात भी रुकिए। एके मिश्रा जी, जो स्थिति असदुद्दीन ओवैसी साहब की थी पिछले चुनावों में, उन्होंने मंच से कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं ऐसी लैला हूं जिसका हर मजनू दीवाना है। क्या बोले, जिस शहर में जाता हूं उस शहर में जो पार्टी होती उसी की बीटी मुझे बता दिया जाता है, तो बोले मैंने मान लिया कि मैं लैला हूं, जमाना मेरा दीवाना है, कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी उतना तो, उतने मजनू लैला वाला सीन तो नहीं है, लेकिन भाजपा कहती है कि कांग्रेस के साथ इनका अंडर ग्लोब अलायंस है, समझ है टेक्टिकल, और कांग्रेस कहती है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी गठबंधन है, टेक्टिकल अलायंस है, रणनीतिक समझौता है, तो बड़ा विचित्र स्थिति हो गई भाई। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें कुछ सुनना नहीं, हमें स्कूल बनाना है। देखिए अमिताभ जी, ये बहुत क्लियर कट है एज पर लॉ, जहां पे चीजें बहुत क्लियर ना हो, उलझी हुई हो, तो ये आरोप प्रत्यारोप से कोई भी अगर बोले कि ये उनके अलायंस है, बी टीम है, इसका मतलब नहीं है। एज पर लॉ, एज पर इलेक्शन कमीशन, तीनों अलग पार्टियां हैं, तो तीन अलग अलग प्लेयर हुए। मैं तो बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं तीनों को अलग प्लेयर देखता हूं, जब तक कि वो ऑफिशियली अलायंस ना करें, हाथ मिला करके डिक्लेयर ना करें कि हाँ भाई इस चुनाव में हम इनके साथ हैं। बाकी लोग कहते रहे ना, ये उनके अंदर से पर्दे के पीछे मिले हैं, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है और उसमें जो है किसी भी पार्टी को बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका उदाहरण मैं देख रहा हूँ, ये सारी डिबेट केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, जी आप ऐसे मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि उन्होंने, शिवराज पाटिल जी ने जो बोला, और ये हर चीज गुजरात पे हो रही है, मुद्दा कहीं और कुछ और। अब ये बोल रहे हैं हम स्कूल बनाएंगे, जब स्कूल, आप सवाल आप पूछते हैं तो बोलते हैं स्कूल बनाएंगे, जब स्कूल बनाने की बात आ जाएगी तब वो सीबीईडी और सीबीआई पे जो है चले जाएंगे, जब सीबीआई उनसे पूछेगी कि भाई आप प्रूफ करो, तब वो किसी और चीज पे भाग जाएंगे। तो ये जो गोल गोल घूमने वाला है ना, कि जैसे कोई जिसका लक्ष्य नहीं है, बस फुटबॉल की तरह, जहाँ भागने वाली पार्टी नहीं है, वो पिच पे टिक के बैटिंग करती है और हर बॉल पे छक्का मारती है, चौका मारती है, बाहर भेज चुकी है दोनों को, बीजेपी को भी है, कांग्रेस को भी, हमने देखा था आम आदमी पार्टी चौके छक्के सुन लीजिए, काले धंधे आरोप नहीं बोलते, भ्रष्टाचार पे आरोप नहीं बोलते, गोपाल पे आरोप नहीं बोलते, दिल्ली में आप लोकल कम नहीं लेते हैं, आप चौके छक्के मार रहे, आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे और असल मायने में दिल्ली के बाहर पे जो टीका फूटता है, हम लास्ट चुनाव यूपी देख रहे हैं, जहाँ आपकी जमानत जब्त हुई थी, एक दो नहीं सबके सब हो गए, पंजाब में बीजेपी का क्या होता देखा आपने,
पंजाब में बीजेपी क्या हुआ देखा आपने, वो भी देख लिए थोड़ा सा। बीजेपी को देखते नहीं बीजेपी विषय आज पंजाब नहीं है, न पंजाब है न गुजरात है। ठीक है, अभी रुकना होगा तकी साहब की आवाज रुकी। ए के मिश्रा साहब अभी रुकना होगा, मैं एक आखिरी सवाल पार्टी